मेरा नाम रमेश कुमार गुप्ता है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मेरे फार्म का नाम है राजन आइसक्रीम। वैसे तो हम लोग का कुल्फी का काम है जो बहुत पुराना पप्पा करते थे और उसी को हम लोग थोड़ा आइसक्रीम में कन्वर्ट करना चाहते, इसलिए आइसक्रीम का काम चालू किए। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग आइसक्रीम बनाना चाह रहे थे उस टाइप का नहीं बन पाया है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो स्वाद है उस टाइप का नहीं बन पा रहा था। तो हम लोग यूट्यूब से सर का नंबर मिला इसलिए उनके कंटेक्ट में आया और सर से बात की है, तो सर ने हम लोग को इनवाइट किया है, ये यहाँ आए हैं। आज जब हमने एक चीज नोटिस करी कि जब आप सीएफ में से फ्रोजन रिजल्ट कर रहे थे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल थी और आप बोले थे कि नहीं ये आइसक्रीम से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो क्या ऐसी चीजें आपने फील करी कि आपको जो है अभी जो है आइसक्रीम से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है? हम लोग जो आइसक्रीम बनाते थे और उसको जब चेक करते थे तो वो जो स्वाद यहाँ मिल रहा है आइसक्रीम खा के जो फीलिंग आता है वो फीलिंग हम लोग को नहीं आता था, जो खुद बनाते थे वो फीलिंग नहीं आता था, यहाँ खाने के बाद अलग ही फीलिंग आता है। इस बिजनेस में आपने क्या क्या परेशानियाँ अब तक देखी हैं और ऐसी क्या परेशानियों को आपका यहाँ 3 दिन में जो है सॉल्व हो गया है, हम वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। इसमें हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे जैसे चोकोबार हुआ कुल, इसको जो शिकायत आता था जो कस्टमर बोलते थे अरे इस कंपनी का माल अलग है आप जो बना रहे हो ये इसका स्वाद अलग है करके, वो चीज़ हम लोग को ज़्यादा परेशान करता था क्योंकि जब कभी भी शिकायत आता था ना तो एक टेंशन टाइप का हो जाता था कि कैसे क्या चीज़ करें करके। यहाँ से जो चीज़ें आप सीख के जा रहे हैं जो फॉर्मूलेशन और जो लेबोरेटरी सेटअप का आपको पार्ट सिखाया गया है, आपकी वो परेशानियाँ कहाँ जो है और किस हद तक आप दूर कर पाएंगे यहाँ से जाने के बाद में? यहाँ सर ने जो समझाया हम लोग को बताया हर चीज़ के बारे में, क्या चीज़ कैसे करना है, क्या सामान कितना डालना है करके। पहले हम लोग कोई भी सामान को ढक्कन से डालते थे या अंजाज से डालते थे, सर ने यहाँ हर चीज़ के बारे में बताया इतने लीटर में इतना एमल डालना है ये सब करना है। इसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में लोग हैं जिनको लगता है कि हमें अगर अच्छा आइसक्रीम बनाना है तो ज़्यादा क्रीम डालना पड़ेगा, ज़्यादा जो है अच्छा फ्लेवर यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि खाली अच्छी ज़्यादा क्रीम या ज़्यादा फेट का दूध यूज करने से है आइसक्रीम अच्छा बनेगा, या जो यहाँ से फॉर्मुलेशन आपको सिखाया गया है बैलेंस फॉर्मुलेशन वो अगर यूज़ करेंगे तो भी आप मिनिमम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं? आप कितना भी कुछ भी मतलब क्रीम दूध डालें जब तक कोई फार्मूला नहीं होगा कोई चीज़ नहीं होगा तो आपका आइसक्रीम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना हम लोग सोचते हैं बनाने के लिए, क्योंकि एक कोई चीज़ बनाने के लिए एक फार्मूला होना चाहिए उसको अपने पास कि ये मात्रा में ये चीज़ इतना डालना चाहिए इतना नहीं डालना चाहिए करके। जो लोग आपकी ही तरह इस फील्ड में हैं और परेशानी अब तक फेस कर रहे हैं कि जो लोग 15 साल से हैं, कुछ लोग 20 साल से हैं, कुछ लोग 2 से 3 जनरेशन से इस फील्ड में हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग क्या चीज़ें हैं क्या प्रोसेस है जो यूज़ करेंगे तो हमें अच्छा प्रोडक्ट डेवलप के मिलने वाला है, ऐसे लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ उनको, एक बार आना चाहिए यहाँ एक बार आना चाहिए और सर से मिलना चाहिए, जो नॉलेज यहाँ मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दो शब्द इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मिस्टर संदीप के लिए। मैं मुकेश सर और संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम जितना सोचे थे उससे ज़्यादा हम मेरे को यहाँ नॉलेज मिला हर चीज़ बनाने के लिए, इतना हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि ये आइसक्रीम बना पाएंगे, नेचुरल आइसक्रीम सुनते थे बस नेचुरल आइसक्रीम ऐसा है स्वाद है, कभी सोचे नहीं थे कि मैं भी बना पाऊँगा नेचुरल आइसक्रीम, लेकिन आप मुकेश सर और दोनों सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमको इतना अच्छा बताए हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ट्रस्ट किया और आप जो है इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं और पूरी टीम ने और स्पेशली मिस्टर संदीप ने पूरा एफर्ट किया है कि आपको जो है वो निराश करके नहीं भेजे और हमने वो चीज करके दिखाया है, तो एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फूड मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, कहीं ना कहीं ये उनको उनके बिजनेस में हेल्प करेगा। थैंक यू।